कुरान करीम में बयान शुदा वाकयात और किसस में सबसे बड़ा किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह के उलुल अज़्म रसूल थे। आपका किस्सा कुरान करीम की 73 सूरतों में जा बजा फैला हुआ है। 73 सूरतों में फैले हुए किस्से को यकजा करना आसान काम नहीं। ऐसे वाकयात की जुजियात को कुरान हदीस की छलनी में से गुजारना इंतहाई जरूरी है। तो आइए सुनते हैं किस्सा सैयदिना मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 1-3 में फरमाते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तासीन मीम, ये रोशन किताब की आयत हैं। हम आपके सामने मूसा और फिरौन का सही वाकया बयान फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। इन आयत में अहले ईमान के लिए नसीहत और याद दहानी है, जबकि इन्हीं आयात में फासिक, नाफरमान और कजराव लोगों के लिए डरावा और वईद है। फिरौन यानी वलीद बिन मुसब बहुत जाबिर और जालिम शख्स था। जुल्म जबर की उन आखिरी हदों को पहुंच गया था जिन तक शायद इंसानों में से कोई भी न पहुंचा होगा। यहाँ तक कि उसने रब होने का दावा कर दिया। वो अल्लाह ताला का इनकार करते हुए कहा करता था। फिरौन कहने लगा, ऐ दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। कहने लगा, तुम सबका रब मैं ही हूं। उसने उलूहियत और रबूबियत दोनों में अल्लाह ताला से झगड़ा किया। यकीनन फिरौन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी और वहां के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था और उनके एक फिरके को कमजोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो जबा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बिला शको शुभा वो था ही फसाद करने वालों में से। उसने लोगों के गिरोह और जमातें बना रखी थी। फिरौन के जमाने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। फिरौन ने उन्हें हद दर्जे जलील और बेइज्जत बना रखा था। सभी को मुआशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान करा रखा था कि बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियों बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाय में आम दे रखा था। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। वो किप्ती कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना रखा था और उसने उनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था। बनी इसराइल इस जिल्लत से नजात पाने का इंतजार कर रहे थे और इसकी वजह यह थी कि उन्हें एक बशारत मिली हुई थी। इसके मुताबिक उनका नजरिया था कि फिरौन के घर से एक बच्चा निकलेगा जो उन्हें नजात दिलाएगा। और ये भी बयान किया जाता है कि ये बशारत उन्हें इस तरह मिली थी कि खुद फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दिस से आग निकलकर मिस्र की जानिब बढ़ती चली आ रही है। वो आग मिस्र में मौजूद तमाम लोगों को जलाए डालती है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर काहिनों से पूछी। वो काहिन उसके नजदीक आलिम थे। उन्होंने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। ये ताबीर सुनकर फिरौन डर गया। तब उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया, बनी इसराइल में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि हारून अलैहिस्सलाम इससे पहले पैदा हो चुके थे और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मीद से थी। फिरौन ने अपना हुक्म यूं जारी किया था कि अगर उनके हाँ बेटे पैदा हों तो उन्हें कत्ल कर दो, बेटियां पैदा हों तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया जाने लगा। हर नवमौलूद बच्चे को कत्ल किया जाने लगा, बच्चियों को छोड़ दिया जाता। ये था बच्चों को जबह करने का हुक्म जो बनी इसराइल में शुरू हुआ। इसका तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि हर हामिला खातून की निगरानी शुरू कर दी। दाया औरतों के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि हामिला मस्तूरात की इत्तला देंगी और जो दाया इत्तला न देती उसे भी कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन और उसके वजीरों को हर नौ मौलूद से बाखबर रखा जाता था। उन दिनों सैयदिना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा और दाया का काम करने वाली औरतों से भी खुद को छुपाए रखा, यहाँ तक कि दर्द ज़ेह का वक्त आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया।
इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। बच्चे की पैदाइश के बाद वो फिक्रमंद रहने लगी। हमल के दिनों में तो उन्होंने खुद को छुपा लिया था, अब बच्चे को कैसे छुपाएं? फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती रहीं, यहां तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी इल्का किया गया था। ये वो वही नहीं थी जो पैगंबरों पर आती है। और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, और जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर खौफ या रंज गम न करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। मतलब ये था कि जब तफ्तीश और तहकीक शुरू हो या खतरात बढ़ जाएं तो इसे दरिया में डाल दें। इस आयत मुबारका में बयक वक्त दो खबरें, दो अहकाम, दो हुक्म इम्तिनाई और दो बशारतें हैं। यानी हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, ये दो खबरें हैं, और जब तुझे खौफ महसूस हो तो इसे दरिया में बहा दे, ये दो हुक्म हैं। कोई खौफ न खा और कोई गम न कर, ये दो इम्तिनाई हुक्म हैं। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाने वाले हैं, ये दो बशारतें हैं। और फिर वाकई तलाश शुरू हो गई, बनी इसराइल पर सख्ती की गई। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, तू भी इसके पीछे पीछे चलती जा। चुनाचे वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करती जा रही है कि दरिया में डालने के बाद क्या बनता है। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 11 में फरमाते हैं, मूसा की वालिदा ने उनकी बहन से कहा, तू इसके पीछे पीछे जा। तो वो उसे दूर ही दूर से देखती रही और फिरौनियों को इसका इल्म भी न हुआ। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल्लात के करीब आन ठहरा। महल्लात दरियाए नील के किनारे थे। अल्लाह ताला सूरतुल कसस में फरमाते हैं, आखिर फिरौन के आदमियों ने संदूक उठा लिया, आखिरकार यही बच्चा उनका दुश्मन हुआ और उनके रंज का बायस बना। अब वो इसकी भलाई चाह रहे हैं, लेकिन वही फिरौनियों के लिए वबाले जान बनने वाला था। अल्लाह सूरतुल कसस आयत 8 में फरमाते हैं, कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। फिरौन की बीवी ने फौरन पहचान लिया कि ये बच्चा बनी इसराइल में से है, चुनाचे उसने कहा, और फिरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें, और ये लोग शऊर ही नहीं रखते थे। मतलब ये कि इस पूरे मामले में अल्लाह ताला की तदबीर से उन्हें आगाही नहीं थी। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने यूं कहा, ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। और फिर हुआ भी यही, मूसा अलैहिस्सलाम आसिया की आंखों की ठंडक बन गए, फिरौन की आंखों की ठंडक न बने। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 10 में फरमाते हैं, और मूसा की वालिदा का दिल बेकरार हो गया, यानी उसका दिल मूसा अलैहिस्सलाम की याद के अलावा दुनिया की हर चीज से खाली हो गया। माँ की मोहब्बत और माँ के दिल का हाल जरा देखिए, मुसीबत में उस पर क्या गुजरती है। वो मेहरबानी जो माँ के दिल में होती है, वो मोहब्बत जो सिर्फ उसी दिल का खासा है, हम मर्दों की जमात इस कैफियत को नहीं जानती जो मुसीबत के वक्त माँ के दिल पर गुजरती है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और मूसा की वालिदा का दिल बेकरार हो गया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सिवा उस दिल में और कुछ न रहा। हर वो चीज जो उसे दुनिया में प्यारी थी मूसा की मोहब्बत पर गालिब ना आ सकी, बस दिल में मूसा ही मूसा थे। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 10 में फरमाते हैं, करीब थी कि इस वाकये को बिल्कुल जाहिर कर देती अगर हम उनके दिल को ढारस न दे देते, ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहे। अब देखिए अल्लाह ताला के काम, उनके नूरे चश्म को किस तरह उनकी तरफ वापस लौटाया। बच्चा जब महल में पहुंचा तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया।
उसके पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। आखिर वो बच्चे को उठाकर बाहर लाए। अल्लाह आयत 12 में फरमाते हैं, और उनके पहुंचने से पहले हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। अब जाहिर है ये रुकावट तो अल्लाह ताला की तरफ से थी, कोई दूध पिलाने में कामयाब हो भी कैसे सकती थी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। सूरतुल कसस आयत 12 में है, ये कहने लगी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना न बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हो भी वो इस बच्चे के खैरख्वाह। उन्होंने पूछा, ऐ बच्ची तू कैसे जानती है कि वो इस बच्चे की खैरख्वाही करेंगी। बच्ची ने जवाब दिया, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है, जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। चुनाचे आपकी बहन उन्हें घर ले आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। सैयदा आसिया ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि वो महल में आ जाए, और जब तक बच्चा दूध पीता रहे वो उसके पास महल ही में रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे अहलो इयाल हैं, मेरे खावंद भी हैं, लिहाजा उनके होते हुए मैं घर नहीं छोड़ सकती। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के हर कारे तोहफे तहाइफ उनके घर लाने लगे। अल्लाह ताला आयत 13 में फरमाते हैं, बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुँचाया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और आजुर्दा खातिर न हो, और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने बढ़ने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू नौजवान हो गए। अल्लाह ताला आयत 14 में फरमाते हैं, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص الدعاء المخفي الصريح يسعى